हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के खिलाफ जारी लॉकडाउन को लेकर नर्मदा में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की मनमानी को रोकने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। और आपको बता दें कि डीएसपी जगत सिंह के नेतृत्व में किए गए फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाने और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। पुलिस का फ्लैग मार्च बाबा कुंडी से शुरू होकर बीरबल नगर, मोरपति, रेलवे रोड, बस स्टैंड रोड तक पहुंचा। इस दौरान डीएसपी जगत सिंह ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी काटे। आपको बता दें कि नर्मदा में लॉकडाउन शुरू होने के बाद नियमों को तोड़ने वाले 570 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 440 वाहनों के चालान काटे और 130 को यहां पर इंपाउंड किया गया है। क्या उद्देश्य है? लॉकडाउन की पालना करवाना है और सोशल डिस्टेंस के बारे में लोगों को कई बार समझाया तो जा चुका है, लेकिन अब कार्रवाई भी करेंगे हम अगर सोशल डिस्टेंस को तोड़ेगा तो। देखिए देखिए, आ जा आ जा।